बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत आबले हैं उसके पाँव में, बहुत आबले हैं उसके पाँव में, लगता है नेक बख्त उसूलों पे चला होगा। आज बड़ा अजीब लगा, नैब अमेंडमेंट्स पे केस था और वो शख्स जिसको पूरी कौम ने मैंडेट दिया कि पाकिस्तान के तमाम चोरों का एहतसाब करो, अफसोस की बात है जिसको कौम ने एहतसाब करने भेजा उसको गोलियां मार के जेल में डाल दिया है और आज वो जेल से सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करेंगे। वो शख्स जो करप्शन के ख़िलाफ़ था और है और रहेगा, वो शख्स जिसने इंसाफ की तहरीक चलाई, वो शख्स जिसने ये कहा था और जिस पर आज भी कायम है कि इंसाफ का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम एहतसाब सरेआम, ये देखो एहतसाब सरेआम, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, जिन पे करप्शन के चार्जेस थे पहले मेल मिला के निकल गए बाहर, फिर वापस आ गए रिजीम चेंज की सूरत में इख्तदार में, एंड दे चेंज द वेरी लॉ थ्रू विच दे वर प्रोसिक्यूटेड दोज पीपल हु आर अक्यूज्ड ऑफ लूट एंड प्लंडर, दे केम इन टू पावर और वो कलम ही हाथ में पकड़ लिया जिस कलम की लिखाई से उन पे सवाल होता था और उस कलम से लिख दिया कि आज से आप पे करप्शन के केसेस नहीं हैं। और जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला था जहाद के लिए, देख लो अडयाला में आज वो वीडियो लिंक से अपनी सुप्रीम कोर्ट से खिताब कर रहा है। ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो एहतसाब की बात करता है, ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो इंसाफ की बात करता है। आज वो लोग जो पिछले 40-45 साल से इख्तदार के सिंहासन पर बैठे रहे आज भी बैठे हैं, और अफसोस की बात है कि आज उस फ्रौनियत को देखिए कि इख्तदार के सिंहासन पर बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में काली भीड़ें हैं। उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, सुबह सुबह आईने को देख लें, एक काली भीड़ पाकिस्तान की सियासत की तारीख की आपको नजर आ जाएगी। आज इमरान खान साहब को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि एक मोहतरम जज साहब की इंटरवेंशन के बाद जब उन्होंने कहा कि लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, उसके बाद लाइव टेलीकास्ट इमरान खान साहब का हक था। बसद एहतराम, तमाम एहतराम मलहूज़ खातर रखते हुए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने फरमाया कि ये केस नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है या अवामी पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, फिर नैब क्यों खुला है? नैब का काम है वो पैसा वापस रिकवर करना जो अवाम का है। अगर ये लूट और प्लंडर किसी की जाती जायदाद की है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट का तो केस नहीं है, लेकिन अगर नैब का काम लूटशुदा माल, अवामी माल जो लूटा गया है उसको रिकवर करना है, फिर तो पब्लिक इंटरेस्ट है। फिर तो इमरान खान साहब को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था, पूरी कौम इंतज़ार में थी। और आज इमरान खान साहब अगर बात करते कौम उसको सुनती। इमरान खान साहब ही इस वक्त चाहते हैं कि जुडिशरी मजबूत हो, वही उन 6 जजेस और तमाम जुडिशरी के पीछे हमारी तहरीक खड़ी है जो जुडिशरी की आज़ादी के लिए खड़े हैं। तो हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को आज लाइव टेलीकास्ट में दिखाया जाना चाहिए था, बल्कि पिछली मुलाकात में मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उनको उस पेशी में सर्व हुआ अलकादर ट्रस्ट में, और खान साहब ने मेरे सामने लाइन लिखी जिस पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं अटेंड करना चाहता हूँ कोर्ट को और इन पर्सन करना चाहता हूँ। उस मौके पर मैंने इमरान खान साहब को, मेरे लेफ्ट पे इस तरह बैठे हुए थे, मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब आपने बिल्कुल सही बात लिखी है, आपको खुद जाना चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं। और मैंने फिर ये बात की कि खान साहब एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट में जिसकी जर्री फौज है, जिसके मजबूत इदारे हैं, जो ताकतवर रियासत है, कोई कमज़ोर रियासत नहीं है, उसमें इतनी सिक्कत होनी चाहिए कि अपने साबिक वज़ीर आज़म को सिर्फ 40 मिनट के फासले पर अडयाला से सुप्रीम कोर्ट तक स्टेट प्रोटेक्शन में ला सकें। वो आना चाहते थे, आज उनको हुकूमत लेके नहीं आई। अगर ये रियासत मौजूदा आर्मी चीफ को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा चीफ जस्टिस को प्रोटेक्शन दे सकती है, जो देती है, जो उनका हक है, जो उनको मिलना चाहिए, तो फिर साबिक वज़ीर आज़म को भी ये प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ आखिर में ये बात कि दोबारा वही बात कि जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला था, जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला था जिसने कहा था कि कौम का पैसा ना खुद लूटूंगा ना किसी को लूटने दूंगा,
आज उसको गोलियां मरवा के जेल में डाल दिया गया कि तुम करप्शन के खिलाफ बात करते हो, तुम एहतसाब की बात करते हो, तुम इंसाफ की बात करते हो, लो तुम्हें अडयाला में डाल दिया और जिन पे इल्ज़ाम था उनको बैठा दिया। ऐसे मत करो इस मुल्क के साथ, ऐसे मत करो इस मुल्क के साथ, क्योंकि मुल्क जिसने बनाया था वो घोड़े पे बैठ के नहीं आया था, उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसके बदन पे काला कोट था और उसके हाथ में कलम था और उसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। बहुत शुक्रिया।